जहां सपा कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं में जमकर नोकझोंक हुई है। रामचरित ग्रंथ को लेकर बड़ा विरोध है, तो बीजेपी के सिख कार्यकर्ता ग्रंथ लेकर पहुंचे थे। सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस दौरान जमकर नोकझोंक हुई है, तो सिख समुदाय रामचरित मानस ग्रंथ लेकर पहुंचे थे। सपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया, साथ ही ग्रंथ की चौपाई पर स्वामी प्रसाद की अभद्र टिप्पणी का विरोध किया गया है। तो अखिलेश यादव को रामचरितमानस ग्रंथ सौंपने पहुंचे थे बीजेपी नेता। बीजेपी के क्षेत्रीय सह संयोजक सिमर रणजीत मौजूद रहे। आपको बता दें कि पुलिस ने सिख समुदाय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला है। रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर अब विरोध जो है वो बढ़ने लगा है। बीजेपी के सिख कार्यकर्ता ग्रंथ लेकर पहुंचे थे। आपको बता दें कि ग्रंथ की चौपाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभद्र टिप्पणी की थी। तो अखिलेश यादव को रामचरितमानस का ग्रंथ सौंपने पहुंचे थे बीजेपी नेता। बीजेपी के क्षेत्रीय संयोजक सिमरनजीत सिंह भी मौजूद रहे इस दौरान। तो ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि रामचरितमानस ग्रंथ की जो किताब है उसको लेकर, जो ग्रंथ है उसको लेकर पहुंचे थे सपा कार्यालय, और इस दौरान सपा कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपस में नोकझोंक देखने को मिली है। प्रसाद मौर्या जी मान्यवर कांसीराम जी के शिष्य रहे हैं और वो पूरे मिशनरी रहे हैं, इसलिए वो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते हैं। और उनसे किसी पत्रकार साथी जो चंद्रशेखर जी के बयान पर पूछने आया था, तो जो उनका मन कहा उन्होंने बताया और अपने घर से नहीं बताया। अब मैं आपसे कहती हूँ कि अगर श्री रामचरितमानस में वो चौपाइयाँ न लिखी होती और उसके भावार्थ उस तरह से न लिखे होते तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्या जी घर से लेकर आते? तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार जुड़ चुके हैं। अविनाश, अगर बात करें तो रामचरितमानस ग्रंथ का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता रामचरितमानस ग्रंथ की जो किताब उसको लेकर सपा कार्यालय पहुंचे अखिलेश यादव को भेंट करने, तो हमने देखा कि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों ही पार्टियों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। क्या पूरा मामला है, फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर? देखिए उधर बिल्कुल जिस तरीके से रामचरित मानस को लेकर जिस तरीके से विवाद और विवाद पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जारी है, चल रहा है, उसको लेकर आज रामपुर के सिख समुदाय के कुछ लोग थे जो जिन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा था, तो वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रामचरित मानस भेंट करने के लिए आए थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो उनका भी हुजूम आ गया, तो लगातार आपस में बहस हुई और उसके बाद पुलिस भी भारी बल में आ गई और उनको रोकने की कोशिश किया। लेकिन जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के वो लगातार यही कह रहे थे कि हम रामचरित मानस को लेकर आए हैं और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं उनको जब भेंट करने आए। लेकिन जिस तरीके से सपा के कार्यकर्ता थे, पूर्व महासचिव उनका पोस्टर भी लगा था, पूनम मौर्या जी वो मेरे साथ भी इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने जो पूरे मौके वारदात पर थी और वो लगातार कार्यकर्ताओं से बात भी कर रही थी कि अगर आपको अखिलेश यादव को रामचरितमानस भेंट करना है तो आप उनसे बात कर लीजिए, वो जब यहाँ पर हो तब आइए आप, ऐसे आप अगर इस तरीके से पार्टी कार्यालय पर उपद्रव करेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी है पूनम मौर्या, जिन्होंने पूरे मौके वारदात पर जो पार्टी कार्यकर्ता आए थे बीजेपी के जो रामचरितमानस लेने के लिए, तो आपसे क्या वजह रही? देखिए सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। मैं इस बात को उसी तरह से लेती हूँ जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माँ पीताम्बरा देवी के मंदिर में दर्शन करने गए थे और योगी आदित्यनाथ के गुंडों ने उनसे काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया कि नहीं हमारी कॉपी राइट है, तो माननीय अखिलेश यादव जी भी हिंदू ही हैं और आपने उनको काला झंडा दिखवाने का काम किया। उसी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को भेज कर जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी करने की प्रवृत्ति है, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी भी रामचरित मानस पढ़े ही होंगे और माननीय नेताजी बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त थे, तो आप उनको क्या दिखाने आए थे? और जब उन्होंने कहा कि मैं इन चौपाइयों का अर्थ उनको बताने आया हूँ, तो मैंने कहा भैया वो अर्थ दिखा दो, वो चौपाई पढ़कर सुना दो, तो भागने लगे। हमने कहा नहीं, आपको तो पढ़कर सुनाना पड़ेगा। जब उन्होंने चौपाई खोला तो वो बोल ही नहीं पाए। मैंने ही उस चौपाई को पढ़ने का काम किया कि शूद्र गवार ढोल पसीमारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ढोलक का भी स्कूल खुलने वाला है क्या? या गाय भैंस बकरी सांड हाथी घोड़ों का भी स्कूल खोलोगे क्या? ताड़ना शब्द आप अपने लिए ले लो, जिनों जिनको अच्छा लगता है, कोई मेरे लिए संवैधानिक अच्छा सा शब्द चुनकर दे दे। जी उदय बिल्कुल जी,
अगर बात करें अविनाश, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के संयोजक सिमरनजीत सिवी वहाँ मौके पर पहुंचे थे इस दौरान, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे विवाद को लेकर जैसे ही सपा कार्यकर्ता सामने आए? इधर बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि जाम कुछ नामों से लेकर जो फैलाद चल रहा, उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मैं सुना पार्टी कार्यालय पर मौजूद हूँ। मैं तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगा कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं पोस्टर में भी ये पोस्टर लगे हुए हैं, शूद्र समाज को लेकर जो बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा, ऐसा शूद्र गौतम राणे सागर ने भी पोस्टर लगाया। और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इस वक्त पूरी तरीके से पोस्टर जो लगे हैं उनमें शूद्र का जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये राजनीति होने लगी ये सूत्र को लेकर ही हो रही है। जी, अविनाश, इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये मामला जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य से शुरू हुआ, ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड इस पूरे मामले को लेकर? उदय, बिल्कुल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर भी दो तरीके से बातें होने लगी। अभी अभी मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ही था, आरके वर्मा जो रानीगंज से सपा के विधायक है, उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया और उनका भी यही कहना है कि अगर ऐसी चीजें हैं जिनसे पिछड़ों और दलितों और नारी का अपमान हो रहा है, अगर इन चीजों को लेकर लोगों के अंदर अपमानित महसूस कर रहे हैं लोग, तो उसको कहीं ना कहीं ये जो चीज लाइनें हैं रामचरितमानस से उनको निकाल दिया जाए या बैन कर दिया जाए। जी अविनाश, अगर एक बात सवाल ये भी उठता है कि ये जो रामचरितमानस ग्रंथ में जो बातें लिखी गई है, जिन चौपाई का जिक्र किया जा रहा है, ये चौपाई अभी तो लिखी नहीं गई, ये काफी लंबे समय से उसमें लिखी हुई है, ऐसे में इन बातों का जिक्र अभी के समय में क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल उदय, अभी जब मैंने रामचरितमानस को लेकर आरके वर्मा से मैंने बात किया, इसी सवाल को लेकर मैंने उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि इससे पहले भी कई जो बाल विवाह हुआ करते थे उन पर भी जब सरकार ने रोक लगा दी, कई ऐसे चीजें हुआ करती थी जिनको लेकर जब सरकार ने रोक लगाई, और अगर आज रामचरितमानस की कुछ लाइनों से पिछड़े दलित और ओबीसी वर्ग के जो कुछ लोग हैं वो अगर वो अपमानित महसूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको बैन कर दिया जाए, यही उनका जवाब था। जी अविनाश, धन्यवाद आपके इस खबर पर जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि जब बीजेपी कार्यकर्ता रामचरितमानस ग्रंथ लेकर सपा कार्यालय पहुंचे तो सपा कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिली है। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता, आपको बता दें कि अखिलेश यादव को रामचरितमानस ग्रंथ सौंपने पहुंचे थे, इस दौरान दोनों ही कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए।